फ्रेंड्स, आज हम GPRS के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने GSM टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। GSM टेक्नोलॉजी बेसिकली फर्स्ट जनरेशन का रिप्लेसमेंट था। आज हम GPRS के बारे में पढ़ेंगे। GPRS इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ GSM। अब ये GSM का इंटीग्रेशन कैसे है? GSM में हम पहले जो जितना भी मैसेज कन्वे करते थे वो या तो फिर टेक्स्ट फॉर्म में कन्वे करते थे मैसेज टेस्ट के थ्रू में, या वॉइस कॉल करते थे, या फैक्स मैसेज फैक्स मेल होता था। इसके अलावा कोई भी मोड नहीं था इस टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का। बट जब GPRS आया तो उसने इसी को इंटीग्रेट किया। ये सब तो मोड थे ही कम्युनिकेशन करने के, बाकी आगे उसने मल्टीमीडिया फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड की। मल्टीमीडिया कैसे? इन GPRS टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया मैसेजेस आप वॉइस कॉल तो कर सकते हैं, देन आप वीडियो कॉल वीडियो सेंड कर सकते हैं मैसेज, एंड इमेजेस के थ्रू मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, गिफ्ट भेज सकते हैं। देर आर मैनी मोड टू कन्वे योर मैसेजेस, और यू कैन कम्युनिकेट अदर्स विद वेरियस मोड्स। सो बेसिकली GPRS इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ GSM मल्टीमीडिया सर्विसेज। ये अलाउ करता है, प्रोवाइड कराता है, एंड GPRS कॉस्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ डेटा ड्यूरिंग बिलिंग साइकिल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पर MB डेटा ये कॉस्ट करता है GPRS। पर मिनट और 1/3 ऑफ पर मिनट। ये जो पर मिनट पर MB डेटा, ये जो पूरा जो आपका पर मिनट ये डेटा कॉस्ट हो रहा है, इसी को हम बिलिंग साइकिल कहते हैं। तो GPRS बेसिकली क्या होता है, ये सेकेंड जनरेशन को, यानी ये सब काम हम सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क में यूज़ करते थे, तो ये सेकेंड जनरेशन को सपोर्ट करता है। सॉरी, सेकेंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे सर्विसेज कम्युनिकेट करने के लिए, टेक्स्ट के थ्रू, वॉइस कॉलिंग के थ्रू, एंड फैक्स मेल के थ्रू। लेकिन अब ये थर्ड जनरेशन को भी सपोर्ट कर मोबाइल नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। इसमें हम वॉइस के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, चैट के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो GPRS सपोर्ट्स बोथ। थर्ड जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। अब हम इसको थोड़ा सा आर्किटेक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए, GSM के आर्किटेक्चर में आपने क्या देखा था? मोबाइल सिस्टम आपका क्या होता है? आपका हैंडसेट, स्मार्टफोन, बस ये नहीं होता, प्लस सिम कार्ड भी इसमें होता है। सिम के थ्रू ही आप किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पाते हो ना, क्योंकि आपका सारी इन्फॉर्मेशन सिम के थ्रू उस चैनल तक जाती है। ये किससे जुड़ा होता था? ये हमारा BTS से जुड़ा होता था। BTS आपके ट्रांजिस्टर्स कई सारे ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, पर इसका जो जब ये केवल एक ही सिस्टम से कनेक्ट होता था वो है BSC। BTS हमारा होता है बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, ये जब इससे मोबाइल सिस्टम जब कनेक्ट होता है तो सबसे पहले टावर से कनेक्ट होता है। टावर के पास BTS डिवाइस होती है जो इस आने वाले सिस्टम के सिग्नल्स को कनेक्ट एक्सेप्ट करती है और इसको फॉरवर्ड करती है BSC। BSC का काम बेसिकली होता है ट्रैफिक कंट्रोल का। ये ट्रैफिक कंट्रोल करती है, आने वाले सिग्नल जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं या जितना भी इंफॉर्मेशन आती है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद उसको सेंड करता है MSC में। MSC हमारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, जिसके बाद HLR, VLR आपने GSM में पढ़ा था, HLR से कनेक्ट होता है, VLR एंड ऑथेंटिकेशन
एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन जितना इससे कनेक्ट होता है. इसमें क्या होता है, HLR में यूज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. अब जब हम इसको GPRS से इंटीग्रेट करते हैं तो HLR में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, वो GPRS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी HLR में ऐड हो जाती है. और BSC यहाँ पे, चूँकि जब आप GSM के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे तो GSM में आपका सिंपल वॉइस मेल था, तो ये आगे, लेकिन जब GPRS कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो मैसेज फॉर्म डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है. तो क्या करता है BSC आगे के जो मैसेजेस हैं वो पैकेट फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है. तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पर GPRS में, वो पैकेट कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है जो कनेक्ट होता है SGSN से. SGSN स्टैंड्स फॉर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड. इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम होता है ऑथेंटिकेशन करना, रेलिवेंट डेटा को स्टोर करना, बाकी जो है उनको वो निकाल हटा देता है, रिमूव कर देता है. एंड आपका यूज़र रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करना. और आपके पास जो मोबाइल है उसका रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल इन इंटरनेट एंड देन रेलिवेंट डेटा को ये स्टोर करता है. ये SGSN का काम करता है. आगे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये GSN में ट्रांसफ़र करता है. ये क्या होता है, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड. ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराता है एंड आगे ट्रांसफ़र करके ये आपका कनेक्शन मैसेज फॉर्म में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है. अब यहाँ तक कि आपने देखा, अब HLR में तो आप इस एक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखा चेंजेस क्या हुए. HLR में तो आपकी GPRS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हुई. और बेस स्विचिंग कंट्रोल, इसको बेस स्विचिंग कंट्रोलर बोलते हैं. इसमें पैकेट, आगे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो पैकेट के फॉर्म में जा रही है. तो ये पहले ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है, पर पैकेट कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है. तो आप इसमें साफ देख पा रहे हैं इस आर्किटेक्चर में कि इतना जो पार्ट है वो हमारा GSM का पार्ट था, इतना पार्ट हमारा GSM का पार्ट है और इतना पार्ट इंटीग्रेट हुआ है. तो ये होल आर्किटेक्चर हमारा GPRS आर्किटेक्चर है. होप गाइज कि आपको GPRS का कंसेप्ट ईजी वे में समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.